Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for 2nd of July 2020. So 2 July 2020 ka news analysis dekhenge. Before we start, jinko current affairs ka revision series humne jo start kiya hai 1.5 saal ke current affairs ki, agar wo join karni hai to they can join that from the links given in the description comment section below. Iske alawa hamara attempts portal agar aapko join karna hai to links niche di hai, and social media platforms ke link bhi niche hai, so you can join us on other platforms as well. So let's start with a question first. पहले questions देख लेते हैं. First question is, Nishtha is an initiative launched recently by which of the following ministries? तो Nishtha initiative में से कौन सी ministry ने launch किया? Options are A, Ministry of Corporate Affairs, B, Ministry of Science and Technology, C, Ministry of Health and Family Welfare, या D, Ministry of Human Resource and Development. Think of the answer and now let me tell you the answer. Answer for this will be D, Ministry of Human Resource and Development. तो Ministry of Human Resource and Development ने इसको basically लॉन्च किया है, तो याद रखेगा. Nishtha initiative का full form है National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. ये New Delhi का है program, National Initiative for School Heads, जो school head होते हैं, and Teachers Holistic Advancement. उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बेसिकली, और ये कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहता है ताकि जो स्कूल्स के हेड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनका जो बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट रहे वो हो सके. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्डिंग अनिमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो अनिमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है. फर्स्ट है, इट इज़ ओनली कॉज्ड ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी. सेकेंड है, इट अकर्स ड्यू टू शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इन द बॉडी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ या नन. Think of the answer and now let me tell you the answer. The answer for this will be B, second only. दो दूसरा statement बस सही है, क्योंकि anemia जो normally होता है वो iron deficiency से होता है, लेकिन cancer, autoimmune diseases, infections and chronic kidney diseases may also lead to anemia, and इसी को बोलते हैं anemia of inflammation. तो this is known as anemia of inflammation. ठीक है, ammonia नहीं है, anemia है. अब याद रखिएगा, द इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड अनीमिया अकर्स ड्यू टू शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ RBCs. तो जो शॉर्टर RBC का लाइफ स्पैन रहता है वो भी एक रीज़न होता है अनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन का. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको नया कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आई होप यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. थर्ड क्वेश्चन है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज. असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए, दिल्ली, बी, दादरा एंड नगर हवेली, सी, पुडुचेरी, एंड डी, लक्षद्वीप. तो आपको बताना है कहाँ पर लोकेटेड है. द आंसर फॉर दिस विल बी ए, दिल्ली. तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका दिल्ली में लोकेटेड है. सो दीज वर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस, और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट. द फ्रंट पेज फर्स्ट न्यूज इज दैट मोदी क्विट्स चाइनीज सोशल मीडिया साइट. द प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज सोशल मीडिया साइट को छोड़ दिया, उनका जो प्रोफाइल था वो ब्लैंक दिखने लगा है. नाउ इट इज नॉट शोइंग एनी फोटोग्राफ और एनी पोस्ट ऑफ हिम. 115 पोस्ट उन्होंने किए थे, एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज वीवो. याद रखिएगा, चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीवो, और वहाँ उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है इन रिटेलिएशन, जो कि अभी रिसेंटली हमने 59 ऐप्स डिलीट किए हैं. और ये कहा गया कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, दे आर बेसिकली अ थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, एंड वो डाटा लीक कर रहे थे, प्राइवेसी भंग कर रहे थे, एंड डेटा को बेच रहे थे चाइनीज़ कंपनी को, चाइनीज़ कंपनी के थ्रू. तो दैट इज़ ऑल इज़ द रीज़न वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी लेफ्ट दिस वीवो ऐप. तो ये वीवो साइट को उन्होंने छोड़ दिया. सो दैट इज़ अनदर थिंग. 115 इसमें पोस्ट थे जो कि उन्होंने किए थे, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिए. तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर. आगे मूव करते हैं, लास्ट में आते हैं. तो टू मोर स्पीशीज़ एडेड टू इंडियाज लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज. अब दो और स्पीशीज़ ऐड हो गई हैं इंडिया की जो बटरफ्लाइज की लिस्ट है, एंड दिस इज़ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, देखो लिखा है, लेपिडो टेरिस्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश हैव हेल्प्ड एड टू स्पीशीज टू इंडियाज एक्सपेंडेड लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ बटरफ्लाइज. ओके, तो लेपिडो टेरिस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. देखो, होता क्या है कि लेपिडो टेरोलॉजी होती है. लेपिडो टेरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी. तो लेपिडो टेरोलॉजी होती है इज अ ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी कंसर्निंग विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ एंड थ्री सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाइज. तो याद रखिएगा, लेपिडो टेरोलॉजी जो होती है दैट इज़ बेसिकली कंसर्निंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ एंड थ्री सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाइज. एंड समवन हु स्टडीज लेपिडो टेरोलॉजी इज लेपिडो टेरिस्ट. याद रखिएगा, जो ये लेपिडो टेरोलॉजी को पढ़ते हैं वो
पिट्यूटरीज कहलाते हैं। ये मॉथ और 3 सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाइज की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्पीशीज इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में रिसर्च करते हुए ढूंढी। पहली है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक, याद रखिएगा नाम है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक। दिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जैपनीज एंटोमोलॉजिस्ट हैनान प्रोविंस ऑफ चाइना। इन द हैनान प्रोविंस ऑफ चाइना में जैपनीज एंटोमोलॉजिस्ट ने खोजा था पहले इसको, नाम है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक। दूसरी जो स्पीशीज है वो है एल्यूजिव प्रिंस, द सेकेंड स्पीशीज इज एल्यूजिव प्रिंस, इट हैज़ अ वियतनामीज कनेक्शन। याद रखिए एल्यूसिव प्रिंस का जो कनेक्शन वो वियतनामीज कनेक्शन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक एंड एल्यूसिव प्रिंस आर द स्पीशीज ऑफ, तो याद रखिएगा ये बटरफ्लाइज हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी बटरफ्लाइज, ठीक है ना। अब ये बेसिकली मिले हैं कहाँ पे, अभी तक ये लग रहा था कि जो ये एल्यूसिव प्रिंस है इट वॉज कंसिडर्ड अ सब फैमिली ऑफ ब्लैक प्रिंस। ब्लैक प्रिंस भी आपकी एक बटरफ्लाई की फैमिली, बटरफ्लाई की ही एक कैटेगरी होती है, ब्लैक प्रिंस कहते हैं। तो ये माना जा रहा था कि एल्यूसिव प्रिंस भी उसी का है, बट अभी पता चला है कि ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट है दोनों, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या और लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें रोहाना जीनस के बारे में भी लिखा है कि रोहाना जीनस हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय इन इंडिया बाय 2 स्पीशीज। देखो रोहाना जीनस इंडिया में 2 स्पीशीज से रिप्रेजेंट होता है, एक है ब्लैक प्रिंस रोहाना परिसातिस एंड दूसरा है ब्राउन प्रिंस रोहाना पर्वता। ओके, तो याद रखिएगा रोहाना परिसातिस जो है आपका वो ब्लैक प्रिंस है एंड ब्राउन प्रिंस यानी कि रोहाना पर्वता। तो ये भी आपको याद रखना है कि रोहाना जीनस के 2 स्पीशीज हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ एल्यूसिव प्रिंस इज रोहाना टोनकिनियाना। ओके, तो याद रखिएगा रोहाना टोनकिनियाना, ये वियतनाम में टोनकिन नाम की एक जगह है, टोनकिन इन वियतनाम, वहाँ ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ था, इस कारण से इसका जो नाम है वो रोहाना टोनकिनियाना हो गया। टोनकिन आपका नॉर्थ वियतनाम में एक जगह है, इस कारण से इसका नाम टोनकिनियाना पड़ा है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक जो है, बेसिकली स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम, देखो ये लिखा है, इसको पढ़ लेना अगर, तो जान जाना क्या नाम लिखा है, यामा मोटा जेफायरस, याद रखेगा यामा मोटा जेफायरस क्वांगतू जेनेसिस, या इसका नाम है साइंटिफिक क्या, यामा मोटो जेफायरस क्वांगतू जेनेसिस, याद रखेगा दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक। एंड ये बेसिकली लोकेटेड इन विजयनगर बॉर्डरिंग म्यांमार, वाइल द एल्यूसिव प्रिंस वॉज फाउंड इन म्याओ ऑन द पेरीफेरी ऑफ द नामदाफा नेशनल पार्क। तो ये जो मिले हैं बेसिकली, तो स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक आपका विजयनगर जो कि बॉर्डर कर रहा था म्यांमार को, एल्यूसिव प्रिंस आपका मिला है म्याओ में जो कि पेरीफेरी पे था ऑफ द नामदाफा नेशनल पार्क। तो आपको बताना है कि नामदाफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज आइटम 2 स्पीशीज के बारे में, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है SBI यूनिट टू सेटअप SPV फॉर एडिंग NBFCs ऑन लिक्विडिटी। तो SBI क्या करेगा, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो SBI कैप है, इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI कैप है, उसको ये कहा है कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप करो जो कि असिस्ट करेगा NBFCs को एंड HFCs को, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को हेल्प करने के लिए SBI कैप को कहा गया है कि आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल करो जो कि उनकी लिक्विडिटी की समस्या को दूर करेगा। तो एक बेसिकली स्कीम चल रही है, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम चल रही है फॉर दिस पर्पस, जिसको कि सेंट्रल ने अप्रूवल दिया है, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। और SBI कैप है वो एक अपनी एक SPV को लॉन्च करेगा इन ऑर्डर टू असिस्ट द NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बेसिकली टू अवेल द फंड्स अंडर स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। कंडीशन क्या रहती है, जो CRAR होना चाहिए, जो यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होना चाहिए, वो NBFCs और HFC के केस में मिनिमम 15% और मिनिमम 12% होना चाहिए। तो 15% और 12% का मिनिमम आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना है, ठीक है ना। NBFC होती क्या है कि NBFC एक ऐसी कंपनी होती है विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। याद रखेगा ये कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं एंड देर इंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक ऑफ द नेचर लाइक लीजिंग, हायर पर्पज एंड इंश्योरेंस, चिट बिजनेसेस। बट ये कोई भी ऐसी चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो जिनका भी प्रिंसिपल बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उनको NBFC आप नहीं बोलेंगे, उनको ज़रूर बोलेंगे जो कि काम करते हैं लोन का, एडवांसेस का, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, डिबेंचर्स का, इन सबको आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे। याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल बैंक्स में और आपके NBFCs में. तो NBFCs लेंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हेंस देयर एक्टिविटीज आर एकिन टू दैट ऑफ बैंक्स. बैंक्स की जैसे ही एक्टिविटी है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं. जैसे कि NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, NBFCs डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड देयरफॉर दे कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन अपॉन देमसेल्फ. तो वो चेक्स नहीं इशू कर सकते, डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते. एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है, जैसे कि आप अगर बैंक्स में पैसा डालते हो तो आपका पूरा गारंटीड रहता है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा. तो वो जो डिपॉजिट गारंटी स्कीम है वो NBFCs के केस में अवेलेबल नहीं रहती है. तो ये डिफरेंस है. तो ये भी आपको याद रखना है कि NBFCs HFCs की जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैप जो है SBI कैप, उसको ये कहा गया RBI द्वारा कि आप एक स्पेशल पर्पज व्हीकल सेटअप करो और इनकी हेल्प करो. ठीक है ना. तो ये आपको याद रखना. दिस इज द न्यूज़ विच वॉज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है. यहाँ पे IGNCA टू हाईलाइट आर्टिस्ट एज साइलेंट कोविड वॉरियर्स. तो याद रखेगा अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जो इगनका है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, दैट इज़ प्लानिंग टू हाईलाइट द वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट हु हैड बीन इंटरटेनिंग एंड बूस्टिंग द पब्लिक मोरल ड्यूरिंग द COVID-19. तो इनको साइलेंट कोविड वॉरियर्स के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा. ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है वो प्लान कर रहा है. अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1987. ये कब बना था, ये 1987 में बना था. एंड इट इज़ अ सेंटर एस्टैब्लिश्ड फॉर इनकम पासिंग स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द आर्ट्स ईच फॉर्म विद इट्स ओन इंटीग्रिटी येट विद इन द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के साथ उनकी खुद की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए आर्ट्स को ये प्रमोट करने का काम करते हैं. एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1987, याद रखिएगा, इट एस्टैब्लिश्ड इन 1987. यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इगनका सीक्स टू अंडरपिन थ्रू इट्स प्रोग्राम ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स मटेरियल्स एंड फंडामेंटल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़. तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में एक रिसर्च का काम भी करता है बेसिकली, जो कि वेरियस साइंसेज और उनके साथ इसका रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. अगर इसके फंक्शन एंड पावर देखो तो इट्स एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है. एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है. तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है. एंड ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. कल 1 जुलाई था, डॉक्टर्स डे था, ये भी आपको याद रखना चाहिए. विधान चंद्र रॉय, मैंने बता ही दिया था आपको कि उनके बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी के उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है. मिनिस्ट्री रिकॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल जू अथॉरिटी. सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जू है इंडिया में वो अलग अलग, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत भी जू को मॉनिटर किया जाता है. ये सारी चीज़ें उनके एक्ट के अंदर की जाती है. सबसे पहली चीज़ की जो जू सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. आपको याद रखना, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक काम किया है. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे, इसमें इंक्लूड किया जाएगा एक एक्सपर्ट फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली. तो इसके अंदर एक एक्सपर्ट आएगा फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली का, एंड एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट आएगा. ठीक है ना. तो स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर से एक एक्सपर्ट आएगा, दूसरा एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट आएगा. याद रखिएगा, दीज टू विल बी इंक्लूडेड. एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली का एक्सपर्ट आएगा और दूसरा एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट आएगा. जो आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी चेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर. इसको चेयर कौन करता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी को एनवायरमेंट मिनिस्टर चेयर करता है. एंड इट इज टास्क्ड विद रेगुलेटिंग जूज अक्रॉस द कंट्री. ये कंट्री में जू को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था बेसिकली. द अथॉरिटी लेज डाउन गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब्स रूल अंडर विच एनी एनिमल मे बी ट्रांसफर्ड अमंग द जूज नेशनली एंड इंटरनेशनली. तो ये बिल्कुल बेसिकली वो लॉज भी बनाता है कि जैसे एक जू से दूसरी जू में किसी एनिमल को ट्रांसफर करना है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो वो भी सेंट्रल जू अथॉरिटी डिफाइन करता है. कंपोजिशन अगर देखें तो अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन, तो एक तो चेयरमैन हो गया, 10 मेंबर और होते हैं, 10 मेंबर्स अदर देयर एंड देर इज अ मेंबर सेक्रेटरी. ठीक है ना. तो अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन 10 मेंबर्स एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी इज देयर एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑफिशियल्स इन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स आर दोज हु आर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर. तो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ही नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के जैसे काम करते हैं. अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया है कि इसमें एक जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली है उसका एक एक्सपर्ट और दूसरा मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट को इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंतर्गत. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. पोस्टल बैलेट प्लान वॉज डिस्कस्ड विद पार्टीज इलेक्शन कमीशन. तो यहाँ पे पोस्टल बैलेट प्लान की बात चल रही है. मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नोट्स अपने टेम्स पोर्टल में बनाई है. तो लेट मी शो यू द नोट्स फ्रॉम देयर ओनली.
इलेक्शन कमीशन नॉट फॉर पोस्टल बैलेट प्लान फॉर एल्डरली. तो अभी हुआ क्या कि जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने ब्लेम किया इलेक्शन कमीशन को दैट दे आर इन अ हरी टू एक्सटेंड पोस्टल बैलेट ऑप्शन टू एल्डरली दैट इज अबव 65 ईयर्स ऑफ एज. तो 65 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट का ऑप्शन ओपन करने की बात की जा रही है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ने किया. तो इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जो सीताराम येचुरी है, तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं, ये थोड़ा सही नहीं लगता. अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये पोस्टल बैलेट वाला प्रोविज़न है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत मेंशन्ड है. फॉर एनी पर्सन टू बी गिवन दिस पोस्टल बैलेट फैसिलिटी बाय इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट. ओके, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जिसको कि पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दे सकता है. पोस्टल बैलेट फैसिलिटी में क्या होता है कि एक पहले तो आपको एक बैलेट इशू किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एक बैलेट इशू करते हैं और उसमें फिर आप अपने वोट को पोस्ट के थ्रू भेजते हो, ठीक है ना. पोस्टल बैलेट फैसिलिटी में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपका एक पोस्टल एक वैलेट इशू किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और फिर आप उसको फिल करके पोस्ट के थ्रू भेजोगे, ठीक है ना. तो ये होता है बेसिकली. अब ऑथर ने यही कहा है कि मतलब क्यों अपोज कर रहे हैं सीताराम येचुरी, और ये कि वोट्स का मिसयूज हो सकता है और एक तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं वो नहीं रह जाएंगे, इनका मिसयूज हो जाएगा और लोग अपने उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं उस वोट को, ये सारी चीज़ें समस्याएं आ सकती हैं. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली रिकमेंड किया था फॉर द 3 कैटेगरीज ऑफ इलेक्टर्स. अभी रिसेंटली हुआ था, ये अक्टूबर के टाइम की बात है, कि दोज हुआ 80 ईयर्स एंड अबव 80 साल से ऊपर के जो लोग रहेंगे, या जो डिसेबिलिटी वाले लोग रहेंगे, या जो एसेंशियल सर्विस वर्कर्स रहेंगे, दे विल बी गिवन दिस फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट. एंड ये अक्टूबर की बात है, 22 अक्टूबर 2019 के नोटिफिकेशन आया था. फिर इलेक्शन कमीशन ने झारखंड स्टेट के इलेक्शन में इसको पायलट की तरह लॉन्च भी कर दिया था 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तब भी इसका अपोज किया गया और अभी ये 65 से ऊपर के लिए करने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है ना. अगली जो न्यूज़ थी वो थी माइग्रेंट फूड ग्रेन स्कीम रीच्ड लेस देन 15% ऑफ 8 करोड़ टारगेट. तो 8 करोड़ का टारगेट था लेकिन 15% से भी कम रीच कर पाया माइग्रेंट फूड ग्रेन स्कीम, यानी कि जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत माइग्रेंट लेबर्स को, आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर जो माइग्रेंट्स को देना चाहिए था, देना था बिना राशन कार्ड के, और माइग्रेंट जो लोगों को देने की घोषणा की गई थी, उसका टारगेट 15% से भी कम अचीव हो पाया है. इनफैक्ट गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ, 0 से 5% हुआ गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, MP, बिहार, UP एंड केरला में. 5 से 20% हुआ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर में. 20 से 50% हुआ दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, मिजोरम एंड कर्नाटका में. 50% से ज़्यादा केवल हरियाणा, नागालैंड, HP एंड राजस्थान में हुआ, ठीक है ना. दूसरा जो इशू है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी गरीब कल्याण अन्न योजना तो एक्सटेंड कर दी जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए, लेकिन आत्मनिर्भर फूड पैकेज जो था माइग्रेंट्स के लिए या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए वो एक्सटेंड नहीं की गई, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ठीक है ना. दैट इज़ द थिंग, अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. तो ये भी आई होप आपको याद रहेगा. सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज पार्ट्स जो भी हमने डिस्कस किया. एडिटोरियल के साथ हम दूसरी वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे. प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड कीप लाइकिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.